गारंटी के साथ कहता हूं कि इनकी बेईमानी और ये अगर पैसा बांटने का काम ना करें और गरीबों को दारू मुर्गा मटन की व्यवस्था अगर ना करें, बेईमानी भी बहुत नहीं होती है, 100% बेईमानी भी नहीं किया जा सकता है। बाबा क्या तो आप लोग कहते हैं प्रशंसा करते, ये कैसे हो, मतलब एक सवाल पूछने पर प्रशंसा कैसे हो सकता है? देखिए बाबा जी को राजनीतिक पटल पर यहाँ बाबागिरी नहीं चल सकती है। राजनीतिक मुख्यमंत्री के पास पावर तो बहुत होता है, लेकिन ये जो जुमला पार्टी है इसमें बाबा की कुछ पावर को सीमित करके रखा, रोक दिया जा रहा है तो बुर्का उठा के देखा जा रहा है, तो मुसलमान वोट नहीं देने दिया जा रहा है, तो महिलाओं को नहीं दिया था, दलितों को गरीब, ये तो आप ही लोग की पार्टी, समाजवादी पार्टी चिल्लाने लगी, समाजवादी पार्टी नहीं चिल्ला रही है, ये सोशल मीडिया बता रहा है और दिखा रहा है। राजनीतिक गलियारों में बहुत सारे चर्चा हो रहे हैं, जिस तरह से अगर देखा जाए तो चुनाव के लेकर उत्तर प्रदेश, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात है तो उपचुनाव को लेकर बहुत काफी गहमागहमी रहा, लेकिन वोटिंग के दौरान जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, दलितों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, बहुत करीबी रहे अखिलेश यादव के, आज हमारे बीच में एक ऐसे नेता हैं जो काफी चर्चा में रहते हैं, इनसे बात करते हैं कि वाकई दलितों को क्यों रोका जाता है, मुसलमानों को क्यों रोका, इसमें हकीकत क्या है, आज के सामने रखते हैं। पहले तो आपका स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, अगर देखा जाए तो मिर्जापुर हो या फिर जहां जहां उपचुनाव हुआ वहां दलितों को और मुसलमानों को रोकती हुई नजर, हालांकि इलेक्शन के अधिकारी ने कहा कि पुलिसों का हक नहीं है उनकी आईडी चेक करें, लेकिन पुलिस आईडी चेक करता है और रोकता भी, एक कितनी सतर्क है? देखिए वास्तव में इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है वो सत्य बात कहा है, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी का आईडी चेक करे, पुलिस का अधिकार सिर्फ इतना ही है कि पोलिंग बूथ पर अगर किसी तरह का उपद्रव होने की आशंका तो उसको रोकने का काम करे, हंगामा हाँ किसी तरह की बात हो, लेकिन देखिए जिनकी सरकार चल रही है उस सरकार, जिनकी सरकार चल रही है उनको मैं भारतीय जुमला पार्टी के नाम से जानता हूँ, क्योंकि ये लोग जुमला बोलने के मास्टर हैं, और ये लोग अगर बेईमानी ना करें, ये लोग बेईमानी के हद में जाकर ही ये चुनाव जीतने का काम करते हैं, जिस तरह से उपचुनाव अभी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इनकी बेईमानी और ये अगर पैसा बांटने का काम ना करें और गरीबों को दारू मुर्गा मटन की व्यवस्था अगर ना करें तो सपा 7+ पे रहेगी, 7 सीट समाजवादी पार्टी और 2 पर निर्णायक लड़ाई रहेगी, लेकिन बेईमानी भी बहुत नहीं होती है, 100% बेईमानी भी नहीं किया जा सकता है, तो भी मुझे पूरा उम्मीद है कि 7 सीट हम लोग समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी। बाबा बहुत कुछ किए हैं, अगर बात करिए जाए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिए, बाबा का देन है कि आज उत्तर प्रदेश के पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है, और आप कह रहे हैं कि क्या होता है बेईमानी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, ये कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? आप बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं ना, अल्लाह मतलब आप लोग क्या है कि मतलब जैसे ही नाम आता है बाबा क्या तो आप लोग कहते हैं प्रशंसा करते, ये कैसे हो, मतलब एक सवाल पूछने पर प्रशंसा कैसे हो सकता है? देखिए बाबा जी योगी हैं, उनके अंदर योगी के विचार सुविचार और संस्कार है, वो राजनीतिक पटल पर यहाँ बाबागिरी नहीं चल सकती है, राजनीतिक पटल पर उनकी नहीं चलती है, राजनीतिक पटल पर उनके जो संगठन के मंत्री होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वो उनकी चलती है। बाबा एक मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के पास पावर तो बहुत होता है, लेकिन ये जो जुमला पार्टी है इसमें बाबा की कुछ पावर को सीमित करके रखा है। क्या बात कर रहे हैं, बाबा ही कहेंगे कि कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, बाबा का ही बयान आता है और बाबा ने सब उत्तर प्रदेश खासतौर से उत्तर प्रदेश को एक करने की बात करते हैं, और आप कहते हैं कि बाबा की एक नहीं चलती उनके। अच्छा, एक चीज हमको बताइए आप,
कि बाबा जी कहते हैं पटोगे तो कटोगे, यही कह रहे हैं ना। तो बाबा जी को बताना चाहिए ना कि कौन पट रहा कौन कट रहा है, ये नहीं बताएंगे। ये बताइए कि इसका अर्थ यही लोग निकाल रहे हैं कि हिंदू एक हो मुसलमान अलग हो, अलग हो, इसका अर्थ यही निकाला जा रहा है ना। अभी तक तो निकल कर नहीं आ रहा है। अभी चले जाइए गांव में, आ गांव में चले जाइए, बटोगे तो कटोगे। राजपूत से अगर ब्राह्मण लड़ेगा, अगर राजपूत से ब्राह्मण सटेगा तो कटेगा, और ब्राह्मण से राजपूत सटेगा तो कटेगा, ब्राह्मण से पटेल सटेगा तो कटेगा। गांव में 2500 बिरादरियां होती है, अगर सारे सारे बिरादरी यही सोचने लगे कि हम मत बटो, राजपूत मत बटो, ब्राह्मण मत बटो, पटेल मत बटो, नाई मत बटो, धोबी मत बटो, कुहार मत बटो, अरे भाई गांव में एक भाईचारा है, उसको आप बांटने की बात कर रहे हैं। अगर यह क्लियर कर दे बाबा जी कि कौन नहीं बटे या कौन हटे, हम तो कहते हैं कि सब लोग मिलजुल के रहो। भाई ये भारत जो है, भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पर सबको आजादी एक दूसरे से मिलने की। होली में हम गले मिलते हैं मुसलमान भाई से, ईद में हम गले मिलते हैं मुसलमान भाई से, ईद भाई में मुसलमान भाई हमसे गले मिलते हैं। तो कौन बटे और कौन कटे, ये तो सभी जाति पर लागू होगा। आप लोग क्यों सिर्फ मुसलमानों को टारगेट? मैं नहीं कर रहा टारगेट, मैं नहीं कर रहा, बात किया जाए, मैं टारगेट नहीं कर रहा। बाबा की बात आप लोग कह देते हैं कि नहीं मुसलमान, बाबा की नहीं है। बाबा ने क्यों नहीं कहा? वो तो किसी का नाम नहीं लिया, हिंदू का नाम लिया ना मुसलमान का, लेकिन आप लोग हिंदू मुसलमान करने लगते। मेरी बात तो फिर बटेंगे, बटोगे तो कटोगे, आखिर बाबा को बताना चाहिए ना। तो नाम तो नहीं है, जिस तरह से आपने खुलासा कर लिया कि आप तो कह रहे कि हिंदू मुस्लिम बढ़ जाओ, ये तो वो तो नहीं कहे। ठीक है, ठाकुर और ब्राह्मण बढ़ जाओ, कोई तो कोई बटेगा, कोई तो कोई कटेगा। ये देखिए एक तरह से उन्माद फैलाने की बात है। मैं एक आम आदमी के नाते कह रहा हूँ कि बटोगे तो कटोगे, सरदार एक साथ रहे, हिंदू एक साथ रहे, पारसी एक साथ रहे, अरे कहाँ यह देश में सब लोग सब जगह रहता है, बंगाली अलग रहे, ये क्या मतलब है? या तो सबका स्टेट बना दीजिए, सबको कह दीजिए अपने अपने स्टेट में जाओ भाई, तो ना हम सटेंगे ना कटेंगे, तो वहां बटने या सब कटने की बात आए। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि बटोगे तो कटोगे शब्द अगर आया है तो इसका डिफिनेशन भी आना चाहिए। नहीं, जैसे अभी चुनाव को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, चुनाव में भी आपने देखा मुसलमान ही चिल्लाने लगे और आप लोग की पार्टी भी चिल्लाने लगी। मतलब का यह बात है? अरे बिना हमें रोका जा रहा है, मेरा आईडी रोका जा रहा है, क्या बात कर, एक सरकार चाहती नहीं है, इसमें सरकार से क्या मतलब? मैंने क्या कहा इसमें? सरकार की पुलिस लगती है ना। ठीक है, पुलिस लगती है, तो पुलिस क्या होता है कि अभी आपने ही ना कहा कि आईडी रोक दिया जा रहा है, तो बुर्का उठा के देखा जा रहा है, तो मुसलमान वोट नहीं देने दिया जा रहा है, तो महिलाओं को नहीं दिया था, दलितों को, गरीब, ये तो आप ही लोग की पार्टी, समाजवादी पार्टी चिल्लाने लगती है। समाजवादी पार्टी नहीं चिल्ला रही है, ये सोशल मीडिया बता रहा है और दिखा रहा है, टीवी चैनल पर दिखा रहा है, आप लोग न्यूज चैनल वाले लोग दिखा रहे हो, तो जो आप दिखाओगे वही ना हम बोलेंगे, जो आप सिखाओगे वही ना हम बोलेंगे, हमको जो दिखेगा वही ना बिकेगा, उसी की बात हम ना करेंगे। आखिर क्यों ये बेईमानी नहीं है तो और क्या है? एक चुनाव जीतने के लिए इतनी आतंक। अभी आपने देखा मिर्जापुर में जो वहां पर भाजपा की प्रत्याशी है, वो अपने घर पर मटन बनवाती है 200 आदमी का, और वहां कुकुर पहुंच जाते हैं 1000, और वहां हो जाता लत्तम जुत्तम। आपने सुना ना, देखा ना? तो मेरा कहने, अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में विनोद तावरे जो है प्रभारी हैं, वो होटल में नोट बांट रहे हैं, वो भी आपने देखा। तो जिस दिन चुनाव आयोग इस चीज को टाइट कर दे कि जो भी पैसा बांटते दिख गया उसूली पे चढ़ा देंगे, जो भी मटन मुर्गा खिलाते दिख गए को सूली पे चढ़ा देंगे, जो भी किसी को डराते धमकाते मिल गए उसको सूली पे चढ़ा देंगे, देखिए एकदम स्वतंत्र चुनाव होता है कि नहीं, और रिजल्ट सामने आपके आ जाएगा। क्या लगता है कि चुनाव अगर बात कर लिया उत्तर प्रदेश की खास तौर से, तो उपचुनाव किसके सत्ता में जाएगा? समाजवाद बोल तो रहे हैं कि 7+ सपा के पास रहेगा। अच्छा, हाँ 23 तारीख का फॉर्म से मिलिएगा 2 बजे के बाद, अगर नहीं होगा तो आप फिर हमसे पूछिएगा। 7+
दावा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। अगर कहीं बेईमानी नहीं हुआ तब, अगर बेईमानी हो गया तो 7+, अगर बेईमानी नहीं हुआ तो 9 के 9 से। चलिए मित्रों, इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव समाजवादी पक्ष में ही आएगा, ये तो वक्त की बात है, अब तो 23 तारीख बहुत नजदीक है और बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।